हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल वैष्णवी मेकओवर एंड बुटीक में। आइए आज आपको मैं एक आईज मेकअप दिखाती हूँ। ये देखो, मेरे पार्लर में एक ब्राइडल रेडी होने के लिए आई है। आज मैंने उसके आईज मेकअप की वीडियो बनाई, फुल मेकअप की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैं फुल मेकअप की वीडियो बनाऊँगी तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने ओनली आईज मेकअप की वीडियो बनाई है। देखिए, सबसे पहले मैंने अपनी ब्राइडल का CTM किया, यानी मॉइस्चराइजर, टोनर और क्लींजर किया। इसके बाद मैंने इनका मेकअप स्टार्ट किया। ये देखिए आईज मेकअप। सबसे पहले मैंने आईब्रोज को शेप दी और उसके बाद मैंने आईज पर बेस लगाया। स्किन से एक टोन ऊपर का बेस लगाया। देखिए, आईज मेकअप करने से पहले बेस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारे कलर अच्छे से दिखाई दें। देखो, मैंने सबसे पहले बेस लगाया। ये आईब्रोज को इक्वल किया और बेस को फिर मैं लूज बॉर्डर से सेट करूंगी। ये देखो, मैंने अच्छे से पूरी आईज पर बेस लगा के अच्छे से ब्लेंड किया। देखो, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इनको ब्लेंड किया और उसके बाद मैंने लूज पाउडर से सेट किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, जिससे भी कोई भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी। ये देखो, मैंने लूज पाउडर से अपने आई बेस को सेट किया। उसके बाद मैं लगाऊंगी आई शेडो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो भी बताएं, अगर अच्छी लगे तो भी बताएं। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ब्रश को वेट किया, वेट करने के बाद आई शेडो लगाया। ये देखिए, मेरी इसके लिए आई शेडो लगाने के लिए टिप्स भी है। देखो, अगर हम आई शेडो लगाते हैं तो ब्रश को थोड़ा सा गीला करके लगाएंगे तो हमारा आई शेडो बहुत अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए, उसके बाद मैंने आईज़ को गिल्टरी आईज़ बनाया। आईज़ पे थोड़ा गिल्टर लगाया क्योंकि आजकल गिल्टर का बहुत फैशन है, अच्छा लगता है। मैंने उंगली में थोड़ा गिल्टर ले गए, पूरी आईज पे गिल्टर लगाया। मैंने हल्का हल्का प्रेस करके गिल्टर लगाया। हल्का हल्का प्रेस करना ज़रूरी होता है ताकि जिससे ये हमारा गिल्टर झड़े नहीं, तो कई बार ऐसा होता है ये गिल्टर ड्राई होता है तो इसलिए ये झड़ जाता है। आईब्रोज के नीचे की साइड, जस्ट एकदम नीचे, मैंने लाइट कलर दिया, लाइट हाइलाइटर लगाया। उसके बाद मैंने आईलाइनर लगाया। इसके बाद मैं आईलैशेस लगाऊंगी।
आईलैशेस लगाने से पहले लाइनर लगाना जरूरी होता है। देखिए मैंने आईलाइनर लगाया अच्छे से। आईलैशेस लगाने से पहले भी लाइनर लगाना चाहिए और आईलैशेस लगाने के बाद भी आईलाइनर लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आईज में थोड़ी फिनिशिंग आती है। ये देखो मैंने अब आईलैशेस लगाई। पहले आईज पे गम लगाया ब्रश के हेल्प से, उसके बाद मैंने लैशेस लगाई। ये देखो ये हल्के हाथ से प्रेस करके अच्छे से चिपका दी। अब मेरा आईज मेकअप हो चुका है लगभग कंप्लीट। तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करके बताएं मेरा आईज मेकअप कैसा लगा। ये मेरा मस्कारा अभी बाकी है, ये मैंने अब मस्कारा लगाया।